हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर में कोरोना संकट में सतर्क रहने और खतरे को कम करने के लिए सजग पड़ोसी योजना अब पूर्ण जीवित होगी। जालौर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस अधीक्षक हेमंत अभिलाष टाक ने इस बारे में जानकारी दी। जो सिरोही मैप था वो सिरोही आ गया, हमारे माखोपुरा में मैप था, दो फंसे बड़गांव से, बड़गांव ये गुजरात वाला बिल्कुल स्मूथली हो गया। अब राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जब नेक्स्ट किसी स्टेट का नंबर आएगा, महाराष्ट्र का आएगा, कर्नाटक का या इधर एमपी में आएगा, वो मुंबई चालू हो जाएगा। उसके अलावा हमारे जिले से भी काफ़ी गुजरात के लोग जो फंसे हुए थे, जैसे एक घट जाति के लोग थे वो सिरोही सॉरी सांचुर में नहीं बैठे थे, 400 लोग थे, उनको भी हमने वापस गुजरात सरकार से बात करके उनको वापस भेजा। बाहर से आने वाले संबंधित व्यक्ति पर सजग पड़ोसी नजर रखेंगे, साथ ही घर पर क्वारंटाइन होने वाले व्यक्ति को मत पत्र भरवाया जाएगा और उसके दाएं और बाएं रहने वाले पड़ोसी से प्रतिभूति पत्र भरवाए जाएंगे। एसपी हेमंत अभिलाष टाक ने बताया कि पड़ोसी जागरूक रहे और होम आइसोलेशन में रहने वाला व्यक्ति यदि एडवाइजरी और मत पत्र का उल्लेखन करता है तो इसकी सूचना जरूर दें। एसपी ने बताया कि कोई भी सजग पड़ोसी व जालौर का निवासी 7727050726 नंबर पर सही और सटीक सूचना के रूप में नियम तोड़ने वाले व्यक्ति का वीडियो या फोटो भेज सकता है। शर्त ये है कि सूचना मिथ्या और गलत नहीं होनी चाहिए। सूचना भेजने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन सूचना की सच्चाई का पता जरूर लगाया जाएगा। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।